नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो बहुत दिनों बाद आज एक छोटी सी ब्रेक मिली है और इस ब्रेक में आज फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ आज फोर्थ दशहरे में प्रकृति और बच्चों के साथ। तो अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो मायके गई है दो एक दिन पहले प्रकृति, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाओ आज हम घूमेंगे आपके साथ दशहरे। तो आपको भी मैं ले चलता हूँ कुल्लू के दशहरा में कि कैसा होता है कुल्लू का दशहरा और कितना एंजॉय रहता है। क्या बात है, प्रकृति आज मुझसे पहले आ गई। हाय बेबी, ये क्या है? अरे कुछ नहीं, गंदे करने कर ली है। अब क्या करें पत्ती यार, सच में आजकल टाइम नहीं होता, सोच डस्टी डस्टर जगह। शुभम पकड़ो अपनी बॉटल को पकड़ो। आप कहाँ जा रहे हो? दोनों दशहरे जा रहे हो? कहाँ जा रहे शुभम? हम दशहरे जा रहे हैं। कुल्लू दशहरे? कुल्लू नहीं है। तब आज तो मम्मा हमें शॉपिंग करवाएगी, ये पैसा ही पैसा डाल के आई होगी मम्मा आज। ये क्या बात हुई भाई, है ना? ठीक है यार, पैसा फिर नाना से लिया, पैसा देने की नहीं लिया, खर्चे नाना के पास है तो नाना से खर्चा लेगा यार, है ना? पापा नाना के साथ भी गया था ना तू कल, मजे लगे आजकल शिवम के। तो भैया पार्किंग की समस्या के कारण इतनी दूर पार्किंग लगानी पड़ रही है गाड़ी, और अब क्या करें, अब पैदल डांडी यात्रा 1 किलोमीटर की। प्रकृति और को तो वैसे मैंने छोड़ के रखा है उस ब्रिज के पास, वह वहाँ से ऑटो लेना है फिर जाके ऊपर पहुँचना है, तो प्रोसेस लंबा है, बट चलो दशहरे के लिए इतना कष्ट करना पड़ेगा। चलो चलो चल रहे हैं, लेट्स गो। मेरे फोन से कुल्लू दशहरा, क्योंकि आपके फोन से कभी मिलती नहीं है। पति कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले हम सबसे पहले खाएंगे। क्या खाएंगे? अलग अलग आइटम्स टेस्ट करेंगे। ये है सरवरी लगबैली से। बोल मम्मा कहाँ भाग गया? अकेले तो हमें अभी शिवम जी के फैन मिले थे और उन्होंने कहा कि व्लॉग बनाना छोड़ दिया है। अरे कहाँ भाग गए? इतनी धूप में क्या खड़े रहना, आगे छाव जैसे में करते। अरे फैन मिल गए थे। अरे फैन मिल गए थे, तो उनका यही कहना था भाई ब्लॉगिंग क्यों छोड़ दी है, क्यों छोड़ी थी ब्लॉगिंग। हाँ भाई, कहाँ शॉपिंग करोगे? जो दिख रहा है वो लेते चलो, लेते चलो, लेते चलो। प्रमोशन ऑफर। शिवम क्या खाओगे? ये खाओगे? लो, नाराज हो गया लड़का तेरा। ये वाली नहीं खाता है ये। खा ले यार, ये पबजी का है। नहीं खाना। ये है भाई प्रकृति की स्पेशल चाट। मंगवाई मैंने चाट पापड़ी थी, उसने दे दी टिक्की। और ये मंगाया प्रकृति ने पाव भाजी। कसम से कुछ खास नहीं है, बट ये है कि इससे बेहतर तो अमूल्य बनाती है, बहुत बेहतर। और शिवम को मिल चुकी है प्रकृति की दूसरी आइटम पोटैटो ट्विस्टर। नहीं, देखो भाई शिवम का मूड खराब, बच्चे तो ऐसे ही करेंगे भाई। हर दूसरी, हर 5 मिनट बाद उसका मूड खराब हो रहा है। क्या हुआ तुझे? भैया शिवम नाराज हो गया अपनी मम्मा से। और मैंने पति को एक बार कहा था ऐसे, मैंने कि रहने दे यार, हम दो ही घूमेंगे आज मस्त करके। नहीं, मैं बच्चे पैदा क्यों किए, है ना? ये तो मेरे साथ चलता है ना सब जगह, बस नाराज होता रहता है। हाँ, ये मेरी नाराज तो उतनी है ना, शक्ल देखो। कब किया मैंने? पोटैटो ट्विस्टर छिलकों का है। हाँ हाँ भाई, मेरी तो इच्छा नहीं है। अब है मेरी वाइफ ने मंगाया है सोया चाप। खा खा बेटा, खुल के खा, तेरे को कोई कमी नहीं आज। और ये रो रहा है तब से। क्या हुआ? तो पति ने अब पैक करवाने ले गई क्योंकि उसे उतना पसंद नहीं आया। अब घुस चुके हैं हम प्रकृति के साथ कपड़े शॉपिंग में।
और ये अपना टुन टुना बजा रहा है और इसका मुंह हो चुका है बंद। शिवो हमने कर दिया है अटैक। खिलौने वाली शॉप। शिवो हम चल पड़ा है डांस करने अंदर मिकी माउस के अंदर। जा तू भी कर ले मिकी माउस में थोड़ा करना एंजॉय। नहीं आपको जरूरत है। कर ले यार एनर्जी कहीं लगाने की। हाँ भाई कैसी हो रही शॉपिंग? बच्चों के लिए फुली शॉपिंग कर ली अपना कुछ भी नहीं। हम पैदल बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। तो चल पड़े हैं हम घर वो भी ऑटो में। तो कैसा रहा दिन तेरा आज? कल लाना शुरू हुआ अपने साथ? नहीं हो गया बस। इसको पहले हो सकता है इसके नाना ले आए इसको घर से कल या परसों। तो फाइनली दशहरे की शॉपिंग शॉपिंग करके पत्ती पहुंच चुकी है घर अपनी घर गाड़ी वाला घर। हाँ भाई मैंने इसको जाने से पहले घर कहा था कि देख ले ले जाना शिवम चल ऐसा नहीं है ले जा बट फिर कोई दिक्कत होगी। और जो उसने अपनी माँ का दिमाग खराब किया। नहीं वो हमेशा ही करता है मुझको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये थी आम जिंदगी। अब मैं बीवी के साथ आया शॉपिंग शॉपिंग की थोड़ा बहुत घूमे और प्रकृति ने दबा के खाया बट अब अपने दिल को भी तो हम तसल्ली करवाएंगे। तो मिलेंगे शाम को फिर से आपसे क्योंकि दशहरा फिर से आना है वो भी अपनी दोस्त वाली गैंग के साथ। मज़े हैं लड़कों के घूम रहे हैं अपनी दोस्त वाली गैंग के साथ। फुल बैग लाया है 50 रुपये वाला बड़ा सा बैग शॉपिंग करके। 50 का नहीं 30 का था। इस बार तो शहर वैसे सस्ता है। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ की जो दुकानें हैं वो शायद सस्ता भी गया कम है ना? और मैनेजमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगी इस बार। धूल मिट्टी भी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इस बार काफी कुछ है और ऑर्गेनाइज्ड है। अभी इस बार देवी देवताओं के लिए भी पहले ही रखा है। मुझे लगता है जैसे देवी देवता चले जाएंगे फिर यहाँ पे जो फ्ली मार्केट है या दूसरी वाली मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगी और 20 दिन चलेगी। नीचे करो शीशा थोड़ा गर्मी लगी। गर्मी है बहुत बस। हाँ बट सोचो 4 लेन का कितना फायदा नहीं है गाड़ी लगाने का। अदरवाइज उधर नहीं उधर भी पार्किंग बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नीचे बनाई ना पर पहले नीचे भी है ऊपर भी है बहुत सारी दिक्कत होती थी। हाँ पहले ये तो अब बीते 1-2 सालों में ही चेंजेस हुए हैं। तारीफ करना चाहते हैं? बिल्कुल तारीफ करेंगे क्योंकि काम किया है। जब काम किया है तो तारीफ भी होगी। कांग्रेस में मुझे एक ही आदमी लगते हैं जो तगड़ा काम करते हैं वो सुंदर सिंह ठाकुर। लेती बाकी ये पूरा लेजेंड मेरे पास क्या है देंगे? ये ले जाती ना मैं इनके टॉयज ले जाती। बाकी यहाँ ना मशीन नहीं है ठीक असल में। मैं तो ले जाना था धोने को। खराब होगी। खराब होगी। शिवो शिवी बाय शिवम बाय मिलूंगा मैं तुम्हारे को। अच्छा कल तक पति मेरी वाली डाल दे मेरे को। मेरी वाली डाल दे। आप ही डाल दी आपकी इसमें ये सुपारी पूरी वाली नहीं मेरे को। ये सुपारी मैंने अपने में डाल दी। मुझे पता है आप पता नहीं क्या करोगे इसके साथ। मेरी वाली कहाँ है? इसी के अंदर है। निकाल उसको मजा जाते एक काली घर में निकाल लेना ठीक है। बाय पति। मत करना ठीक है। ठीक है बाय। भाई ये ट्रक पता नहीं धुएं में ट्रक है कि ट्रक में धुआं है। बहुत बुरे हालत है इस ट्रक के भाई। भाई कहाँ चले? अब चले हम फिर से एक बार फिर से चले हम दशहरे। और कौन से दशहरे? कुल्लू दशहरे। पहले गए थे हम वाइफ के साथ बच्चों के साथ अब जा रहे हैं हम बड़े आदमी के साथ। बाकी क्या बाकी बताएंगे आप लोगों को। अभी पहुँच गए कुल्लू। दोस्त भी आ रहे हैं अपना तो यार दोस्त के साथ थोड़ा इन्जॉय करेंगे। और स्कूटी इसीलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि स्कूटी के लिए पार्किंग कहीं भी लग जाती है और गाड़ी के लिए 2 किलोमीटर दूर रखो फिर वहाँ से पैदल चलो। तो अभी पहुँचे हम पुराने ओल्ड रोड से कुछ इस तरह का है पुराना बजौरा कुल्लू रोड। तो दोस्तों नाइट का चला है तंबोला और हमारा भतीजा खेलेगा तंबोला। चल बेटा खेल ऑल्टो जीतेगा तू आज अगला। हाय
तो फाइनली भाई टाइम हो गया 11, तो घर पहुंचा अभी और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ भी बड़ा एंजॉय किया आज दिन को, बीवी बच्चों को लेके गया, शाम को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया। तो बस इसी तरह दशहरा चलता है हर साल। आज के ब्लॉग को भी यहीं भी विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। बाय बाय।